हेलो। हाँ जी, कस्टमर केयर से विजय कुमार बात कर रहा हूँ। आपकी सिम कार्ड पे 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा भैया, आपको बधाई हो। बधाई हो। धन्यवाद सर। कहाँ से बोल रहे हो? जी ये मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, विजय कुमार। हाँ जी, तो ये 25 लाख रुपए का लॉटरी के अमाउंट को आप कैश करना चाहते हो तो कंपनी के सुपरवाइजर आकाश वर्मा का नंबर देता हूँ, आप उसी नंबर पे कॉल करेंगे लॉटरी मैनेजर के पास, आपको तमाम कर जानकारी देंगे और 25 लाख रुपए आज के दिन में कैश कराएंगे भैया को। कहाँ कहाँ किसको फोन करना है भाई साहब? आकाश वर्मा लॉटरी मैनेजर को नंबर दे रहा हूँ उनका। हाँ जी, जी मैं आपको नंबर मैसेज कर रहा हूँ और उसी नंबर पे कॉल करेंगे सुपरवाइजर आकाश वर्मा, बात करेंगे, उनको बताना कि 25 लाख की लॉटरी के बारे में जानकारी मिला है, हमें जानकारी चाहिए, आपको तमाम कर जानकारी देंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन देके आपको लॉटरी कैश कराएंगे आज के समय। ओके मैं ठीक है जी। आपको नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है? भेज दीजिए। ओके हेलो। जी, मैंने नंबर आपको मैसेज पे भेज दिया व्हाट्सएप पे, और उस मैसेज के अंदर एक लिंक बना हुआ, लिंक के ऊपर हाथ लगाओगे आपको सीधे व्हाट्सएप में चले जाओगे आकाश वर्मा के पास। ठीक है जी, जी, कॉल कर लीजिए। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार। जी, मुझे कंपनी की तरफ से फोन आया सीगा कि तोड़ी 25 लाख दी कोई लॉटरी लगी है ते तोड़ा नंबर देता है। राइट, मिस्टर आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, तो आपको लॉटरी का नंबर दिया हुआ। नंबर नंबर तो नहीं मुझे बताया, मुझे तो ऐसा कहा गया था कि आपको फोन कर लें, आप हमें पैसे भेज देंगे। राइट, आपको कोई मैसेज मिला है? मैसेज तो नहीं कोई मिला मुला मुझे को, इतना तो नहीं, मुझे तो फोन आया था आपका नंबर, उसमें दिया गया था। नो 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 नो, आपने जो मेरे पास कॉल किया है उन्होंने आपको कोई मैसेज वगैरह दिया होगा जिसके अंदर मेरा नंबर ऐड है। हाँ मैसेज तो, 1 मिनट जी, तुसी होल्ड ही रखे, मैं उन्हें देख दूँ। उसका आप मुझे वो मैसेज सेंड करिए, मैं लॉटरी का नंबर होता है मैं वो चेक कर लेता हूँ। ओके 1 मिनट जी, 1 मिनट। ये एक तो लिखा हुआ 007 लिखा हुआ है। राइट राइट राइट, वो मैसेज मुझे सेंड करो, वो लॉटरी नंबर होता है मैं चेक करता हूँ। ओके हाँ, ठीक है जी, मुझे व्हाट्सअप करके कॉल करिए। ओके ओके जी, ओके। जी सर, सर आपने जो मुझे मैसेज सेंड किया है ना सर, वो मैसेज आपका मैंने इनामी लिस्ट में कंप्यूटर में चेक किया है और आपका चेक पहुंचा है ऑलरेडी कंप्लीट होकर 25 लाख रुपए का। वेरी वेरी हैप्पी कंग्रेचुलेशन हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आप और आपकी फैमिली को, बहुत बहुत शुभकामना बधाई हो सर। सर ये लॉटरी ना आप खेले हैं ना आप खरीदे हैं ना आपके नाम पे चेक खुला, ये ओपन मेरिट पे कंपटीशन किया था, 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ करवाया था। जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जो लोग मैसेंजर यूज कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, जो लोग ईमो यूज कर रहे हैं, इन कंपनियों के, इन ऐप के जो मालिक होते हैं, जो इन कंपनियों के ऐप के ऑनर होते हैं, ये केबीसी डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में ओपन मेरिट पे कंपटीशन करवाया जाता है, ठीक है? ये केबीसी डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में 10,000 से लेकर 25,000 सिम तक पब्लिक कुरंदाजी की थी, तो पब्लिक कुरंदाजी में आपका व्हाट्सएप नंबर शुमार था, आपका नंबर शाले बागुआ कंप्यूटर ने आपके नंबर को उठाया है। 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए का बिग प्राइज लॉटरी आपके नंबर पे। हेलो, हेलो। हाँ राइट, बिल्कुल राइट, 25 लाख रुपए के विनर हैं, आपको मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है, इसको सुने और फॉलो करें और मुझे कॉल करें। ओके हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वही सुन रहे थे सर। पूरा सुन लीजिए, फॉलो कर लीजिए और मुझे कॉल करिए, डॉक्यूमेंट्स भेज के मुझे कॉल करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल राइट, ओके ओके ठीक है जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद। सेलेक्ट विन हो चुका है, जो आपको लॉटरी का पैसा प्रॉम्प्ट रिसीव कैश आउट होगा सर। लॉटरी का पैसा लेने के लिए, कैश करवाने के लिए आपको कंपनी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऑप्शन ये मिला है कि
आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट नंबर चालू है तो आप मुझे वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मेरा इस बैंक में खाता चालू है और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में सर ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर आप ऐसा कीजिए, अपना नाम, अपने बैंक का नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना आधार कार्ड ये फौरन से मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएँ और आपके नाम की डिटेल्स एक्टिवेशन तैयार की जाए और आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाए। तो फिर आपने अपने बैंक जाना है, अपने बैंक जाकर आपने अपना पैसा चेक करना है और आपने चेक करने के बाद 2-4 लाख रुपए निकलवा कर हमें कम बैक और लगा कर थैंक यू बोल देना कि आकाश वर्मा थैंक यू, पैसा आ चुका है और हमने पैसा रिसीव कर लिया। गरीब आदमी हो, माता पिता की दुआओं के कारण आप जीते हैं 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ ओपन मेरिट कॉम्पिटिशन के कारण बिग प्राइज के आप मालिक बन चुके हो। भगवान ने एक आपको अपनी लाइफ बदलने का, एक आपको अपनी जिंदगी संवारने का बहुत बड़ा मौका दिया है, जो आप और आपके परिवार वाले सब खुशियों का सामना करने वाले हैं। भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देगा, भगवान की कृपा हो चुकी है, माता पिता की दुआओं के कारण आपको इतना बड़ा मौका मिला है। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, भगवान ने अगर ये मौका दिया तो इसे जाया नहीं करना है, आपको जैसा कहा जाए उसी पे फॉलो करना है और लॉटरी का पैसा प्राप्त करना है। लॉटरी के बारे में पब्लिक सिटी, शोबाजी, डिंडोरा बिल्कुल नहीं पीटना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुशी के मारे लॉटरी के बारे में पब्लिक सिटी शोबाजी कर देते हैं तो आपकी सिम को कंप्लेन में बंद करवा दे या आपके नंबर का कोई और व्यक्ति व्हाट्सअप चुरा ले या व्हाट्सअप अपने नंबर पे बना ले तो आपका लॉटरी का पैसा वो आउट व्यक्ति भी प्राप्त कैश करवा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भारत देश में 2 मरतबा हो चुका है कि लॉटरी किसी और का होता है और कैश कोई और करवा लेता है। और इसके कारण कि लोग खुशी में आकर बता देते हैं, इन उनको पता नहीं चलता है, उनकी सिम रिप्लेस डुप्लीकेट हो जाती है। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपकी रिक्वेस्ट है, आपने लॉटरी के बारे में पब्लिक सिटी शोबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आपका लॉटरी का पैसा आपको प्राप्त नहीं होता है तब तक लॉटरी के बारे में आपने सावधान रहना है। इज ओके सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल सेंड कीजिए, सेंड करने के बाद आप मुझे कॉल लगाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जी मेरे पास अभी फोटो फोटो तो है नहीं कि ना, मेरे पास पासपोर्ट है। अकाउंट नंबर है, बिल्कुल राइट है, अकाउंट नंबर है। हाँ जी अकाउंट नंबर तो हैगा वा, वो कॉपी मैंने लभनी पैनी है जी, पेटी वेच पई होगी। उसको उठाइए और आपका खुद का ऐसे फोटो उतार सकते हैं ना मोबाइल में? नहीं, एक तो मैं बैंक की कॉपी की फोटो भेज देना, तो एक फोटो मैं मेरे को है नहीं गया, वो फिर मैंने जाकर। हाँ वो सेंड करो, वो सेंड करो। लॉटरी के बारे में शोबाजी जानकारी नहीं करना है, आपका ख्याल आपने खुद रखना है। ओके ठीक है, एक कली फोटो का जब बैंक कॉपी की फोटो भेज दें कली। जी जी वो बंद करें और आपका फोटो भेज दीजिए और आपका नेम भेज दीजिए। मेरी मेरी आपकी फोटो तो है नहीं, होता फिर जी खचवानियां पैनियां वो तो फिर जे शाम तक। सॉरी 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 सॉरी, नो 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 नो, आज के डेट में अभी आपको लॉटरी अमाउंट मिलने वाला है, आप अभी तुरंत मोबाइल से उतार नहीं सकते हैं क्या? हाँ वो मैं तो खींच लांगे जी फोटो, तो फिर उदा भेज तो देना। फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई एनी नो प्रॉब्लम, एनी नो प्रॉब्लम, जल्द से जल्द करके दो मुझे कॉल दो करें। चीजें okay, करने हैं, एक कर। बैंक की कॉपी तो एक मैं आपकी फोटो, दो चीजें करनी है ना सेंड। हाँ वो सेंड करो, वो सेंड करो मुझे। ओके हाँ जी चलो ठीक है जी, मैं होने कर दूंगा। ओके ओके, फ्रॉड पूरा तैयार होया बैठा है, जिवें हुणे 25 लाख मेरे खाते च कढ़ाउणा फिरदा। हेलो सर जी, मैं फोटो सेंड कर दिती है जी तुहानू। जी आपका नंबर कौन से बैंक का है? ए हैगा जी SBI दा जी। जी SBI, SBI SBI बैंक का अकाउंट नंबर है, राइट है, चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म करूंगा कि इस लॉटरी के हवाले से आपके परिवार के कितने लोग जानते हैं? सर अभी तो मैं ही घर पे हूँ, बाकी तो सारे काम पे गए हुए हैं, मैंने अभी जाना था। तो आज के दिन के लिए किसी काम पे, किसी जॉब पे नहीं जाना होगा। लॉटरी के बारे में शोबाजी जानकारी पब्लिक सिटी नहीं करना होगा। मोबाइल के अंदर पेटीएम मोबाइल ऐप, गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं? नहीं जी। तो अभी क्या काम करने के लिए जाना है आपने? सर मेरा करियाना स्टोर है जी। तो आज के दिन के लिए अगर नहीं जाते हैं तो क्या दिक्कत है आपके लिए कोई? नहीं सर, ना जावांगे जी एक दिन, ना तो कुछ नहीं होता जी। तो अभी आपका नाम तो सेंड कर सकते हैं ना आप मेरे पास? हाँ जी मैं भेज देना। हाँ नेम सेंड करो, सेंड करके मुझे कॉल करो, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ और जानकारी बताता हूँ और समझाता हूँ। ओके
ठीक है जी। क्योंकि ये जो लॉटरी का लगा है टिकट आपने ना खेला है ना खरीदा है। ये लकी ड्रॉ पार्टिसिपेट 5,000 सिम कार्ड के ऊपर लकी ड्रॉ किया जाता है। ठीक लकी ड्रॉ में आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है, आपके नंबर ने 25 लाख को विन किया है, यानी कि 25 लाख रुपए को जीता है। ओके ठीक है जी। हाँ, आपके पीछे माता और पिता की दुआ है, इसलिए आप 25 लाख रुपए के विनर बने हैं। भगवान ने आपको बहुत बड़ा शानदार मौका दिया है, ये आपका तो जिंदगी लाइफ बहुत चांस अच्छा। ये बदलने तो का है आज हमारा के दिन में। हमारे तो ओके सर किस्मत ही जाग चुकी है, हम तो ना बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। जी, क्योंकि देखो मैं खुद सीनियर सुपरवाइजर मिस्टर आकाश वर्मा लॉटरी मैनेजर बात कर रहा हूँ। ओके हाँ, ठीक है जी, ठीक है, मैं अभी नाम भेज अभी देता आपका हूँ। नेम सेंड करो, नेम सेंड करके मेरे पास जस्ट कॉल करें। ओके ठीक है जी, ओके। ओके okay। सर जी मैंने नाम भेज देता जी। आपने मुझे सेंड कर दिया है। हाँ तो जी, अभी भैया देखो मैं आपके पास चेक और फाइल का वीडियो सेंड कर रहा हूँ। वो चेक और फाइल है जो आपके नाम पे रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद आपके खाता में रकम ऑनलाइन करना है। ओके okay? सर पैसे आज ही मिल जाएंगे जी। जी, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, किसी काम पे किसी जॉब पे नहीं जाना होगा, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ। और गरीब इंसान को मैं आज के दिन के लिए छुट्टी रेस्ट करवा के मुझे क्या फायदा मिलेगा? ते सर एदा मतलब कोई जिमें मतलब कोई पैसे इदा कट्ठे खाते च आ गए, कोई सरकार तो नहीं मिलू कोई किसी इशू नहीं दी? बनेगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगा, सिर का बाल कितनी बारीकी में है इतना भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ओके, ठीक है जी, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से जीता हुआ प्राइज मिल रहा है आपको। कोई डकैती नहीं कर रहे हो, किसी को डकैती नहीं किया है आपने। हाँ जी हाँ जी, कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए का रसीद दूंगा, मैसेज दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना बने। 25 लाख का रसीद जो होता है हाँ जी, वो आपको मिलेगा। ठीक है जी, कंपनी की ओर से पूरा पूरा प्रूफ दिया जाता है आपको। हाँ जी, बस यही है ना कि मैं तो सर मैंने तो अपने घर पे भी किसी को नहीं बताया अभी। सॉरी मेरे भैया, आपको मैं एक कुछ सिंपल लफाजों में बता रहा हूँ कि आपको अकेले को लॉटरी नहीं मिल रहा है, काफी कस्टमर हैं जिनको मैं लॉटरी का अमाउंट दे ठीक चुका है, हूँ और कैश कर भी लिया है उन लोगों ने। ओके, हाँ जी हाँ जी, मुझे जरूरत नहीं है। एक मेरे भैया जैसे हो, मैं आपको गलत बोलूंगा फेक बोलूंगा, मुझे फायदा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके ठीक है सर, ठीक है जी। जी, अभी चेक और फाइल का वीडियो भेज दिया है, वो देखें, देख के जस्ट मेरे पास कॉल करें। ओके ठीक है जी, धन्यवाद। ओके भैया, भेज दिया, चेक करें, देखें, देख के मुझे कॉल करें, ओके मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओके। जी सर नमस्कार, आपका ये चेक पड़ा है और ये आपकी फाइलें हैं, ये देख लें आप। आपके मन में ये ना हो कि मेरा लॉटरी लगा हुआ है या नहीं, आप हमारी बात पर फॉलो करेंगे तो आपको लॉटरी लेने में ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लें सर, जब बैंक से पैसा निकाला जाता है चेक पर साइन करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है, कंपनी की ओर से आपका चेक क्लियर है, चेक साइन हो चुका है और बैंक की ओर से स्टैंप भी लग चुका है। इसे आपने अपने नाम पर करवाना है, ना ही तो इस पर नाम लिखा हुआ है और ना ही तो इस पर डेट। हेलो, हाँ जी सर जी, देख ली वीडियो तो, हम पैसे कदों तक कौन गई। जी, बिल्कुल राइट। तो भैया देखो, ये 25 लाख का जो चेक है ये अभी आपके नाम पे रजिस्टर करवाना है। आपको मैंने वीडियो इसलिए सेंड किया है कि आप खुद देख सकें। इसके ऊपर ना ही आपका अकाउंट नंबर है, ना आपका लॉटरी नंबर है, ना इसी के ऊपर आपका नेम है, ना ही आज का डेट है। ओके हाँ जी जी, तो अभी 25 लाख का जो चेक है अभी आपने रजिस्टर करवाना है। अभी आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम आपका बर्बाद नहीं करना है, किसी की भी करीबी शॉप पे चले जाना है। ओके, तो ये ठीक 25 लाख का चेक रजिस्टर फीस है आपको, जो आपके ऊपर चेक रजिस्टर फीस आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है, चेक रजिस्टर फीस आपको जमा करना है। ठीक है जी, जमा करने के साथ 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट के बाद आपके बैंक में चले जाना है, आपके बैंक से 25 लाख रुपए का मनी चेक करना है और आपको यहाँ से मैं रसीद दूंगा और आप सीधे जाके बैंक मैनेजर को बोलेंगे ये 25 लाख रुपए हमारे खाता में पहुंचा है, हमें निकाल के चेक करवाइए।
आपको उसी में से 5 लाख रुपए आज की डेट में मिलेगा, 5 लाख रुपए कल की डेट में मिलेगा, 5 लाख उससे अगली डेट में मिलेगा। 5 दिन में आप 5-5 लाख रुपए निकालेंगे। ये अभी चेक रजिस्टर फीस आपको डिपॉजिट करना है, मनी ट्रांसफर ऑनलाइन शॉप गूगल पे फोन पे और ओ मित्र वाला दुकान होता है, देखा है ना आप लोगों ने? हाँ जी साढ़े है जी इतने दुकान हो। तो वो आप जिसकी शॉप है आपकी खुद की है? नहीं सर इतने साढ़े दूसरे मोहल्ले हैगी है जी। अभी आप लोगों ने चेक रजिस्टर फीस डिपॉजिट करना है, तो बताइए अभी कितना टाइम तक आपका चेक रजिस्टर फीस भर सकते हैं? सर कितनी हिंदी फीस कितनी? चेक रजिस्टर फीस आपका बन रहा है 12,200 रुपये। ठीक है जी। तो सर भेज दिने फिर जहाँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता वा उधर जाके भर दो। तो अभी मैं आपके पास अभी वो एक बात अलग है, तो अभी आपको आपके भरोसे के लिए, क्योंकि आप गरीब इंसान हैं, ओके हाँ आपका पैसा आपके लिए हलाल है, हमारे लिए आपका 1 रुपये भी हराम जैसा है, ओके हाँ जी। तो अभी मैं आपके पास कुछ लोकेशन वीडियो भेज रहा हूँ जिन लोगों ने अपना टैक्स जमा करने के साथ लॉटरी कैश कर लिया है, ओके ठीक है जी। तो उन लोगों का वीडियो देखें, देख के मेरे पास खुद कॉल करें। अगर मेरे भैया आपको भरोसा हो तो जमा करना होगा, अगर नहीं भरोसा हो तो नहीं जमा करना होगा, क्योंकि भैया बात सिर्फ यही होता है कि भरोसा हो, इंसान के ऊपर इंसान को भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। और आपका 25 लाख रुपए का लॉटरी मैं अपने घर से और अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा हूँ, आपके 12,000 से कंपनी में कोई गाड़ी और बंगला तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा, ओके भैया? हाँ जी। तो सारे भेजना की क्या है, कंपनी को भेजना या किस को भेजना है? वो मैं सब कुछ आप भैया, आपको अगर अपने मुंह से आपने मुझे भैया बोल दिया ना, तो मैं भी आपको भैया जैसा समझ के बात कर रहा हूँ, सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन अभी करना क्या है कि आप लोगों को जो मैंने चलती कॉल में वीडियो उन लोगों का भेजा है जिन लोगों ने अपना टैक्स जमा करके लॉटरी कैश किया है, ठीक है ठीक है। आप एक बार वो देखें, देख के मुझे कॉल करें कि भैया बिल्कुल राइट है, अगर राइट है तो मुझे राइट बोलना है, अगर गलत है तो मुझे बोल देना कि भैया गलत है, ठीक है ठीक है जी। हाँ देख के मुझे कॉल करें, उसके बाद आगे का प्रोसीजर देता हूँ भैया को। ओके जी ओके ओके भैया। हेलो हाँ जी सर जी, मैंने वीडियो देख लिया जी। जी जी कितना वीडियो देखा है? सर सारिया देख लिया है, दो तीन दो औरतां दी एक दो मुंडियां दी भी हैगी है। राइट राइट। तो भैया 4 वीडियो भेजा है, वो आपने देख लिया है, और अभी मुझे बताइए देखने में आपको क्या बोला है, क्या नहीं समझा रहा है? नहीं सर समझ आ गया, सारे गरीब कर दे सी के सारे नु पैसे मिले हो तो इदा ही कह रहे हैं। देखो कि मैं अपने घर से ये पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कुछ बोला था कि आपको देखने से अगर विश्वास हो तो मुझे बोलना हो, नहीं विश्वास हो तो मुझे तब भी बोलना होगा भैया। नहीं आप पे विश्वास है सर जी, विश्वास है जी। तो भैया देखो ये 25 लाख का जो लॉटरी लगा है आपको अकेले को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 4 कस्टमर विनर मेरे पास पहले थे और 5वें कस्टमर आप बन चुके हैं, ओके हाँ जी हाँ जी। तो आप ये अपना टैक्स अभी कहाँ से जमा करोगे? सर इत्थे साढ़े दूजी दुकान हैगी है जी, फोना की दुकान हैगी है जी, उन्हों का सारा रखा हुआ, पैसे पूसे भी भेज देंगे है जे किसी ने भेजने हैं। राइट। तो आपने कभी उसी दुकान से कभी किसी को पैसा भेजा है? हाँ जी भेजे है जी जी। आपने तो भैया देखो अभी कितना टैक्स डिपॉजिट करना है आपको? 12,000 बोला सर आपने जी। तो आपको 12,000 जमा करने के लिए कितना समय चाहिए? सर ये तो 10 मिनट का रास्ता जी, वो दूसरे मोहल्ले दे विच है ना। वो कोई बात नहीं है, 20 मिनट का समय मिल जाएगा, आधे घंटे का मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं होता है भैया। हाँ जी। तो अभी मुझे बताइए आपको अकाउंट नंबर दिया जाए, गूगल पे नंबर दिया जाए, फोन पे नंबर दिया जाए जिसमें आप जमा करना चाहते हैं? सर वो तो सारे तरह भेज देंगे, तुसी जेड़ा मर्जी भेज दो, उन्होंने मैं कह दूंगा भेज देंगे। तो भैया अभी आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि कागज और कलम उठाना है। सर अभी तो कागज कलम है नहीं कोले, एक मिनट सर मैं जी। कागज और कलम उठाएंगे? हाँ जी एक मिनट, मैं सर का लेके आता हूँ, मैं तो दोबारा फोन लाना जी।
कोई बात नहीं, मैं लाइन पे रह जाता हूँ। कितना टाइम लगता है? सर अभी मैंने तो लेना पेना गवांडियां तो मेरे घरे तो है नहीं का पेना, मैं अभी लेके आता कोई बात हूँ। नहीं, कागज और कलम उठाएं। लॉटरी के बारे में शोबाजी बिल्कुल नहीं करें, सेफ्टी में रहें। सेफ्टी रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि 25 लाख रुपए के विनर हैं, आपको बहुत ही सेफ्टी रखना पड़ेगा। आज के दिन में जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है, उसी टाइम तक आपको बहुत ही सेफ्टी रहना पड़ेगा, हाँ जी सर, मैं हुने लोना क्योंकि आप इतनो ले आवा इतनो मटे जा पेना। जी, कागज और कलम ठीक उठा के मुझे कॉल करिए भैया। है जी। हाँ भैया, कागज और कलम उठा हाँ लिए हैं? हाँ जी हाँ जी सर, तो बिल्कुल राइट, अभी आप अकेले सेफ्टी में हैं। हाँ जी हाँ जी मैं कर रही हूँ जी। हाँ, तो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर अकाउंट नंबर और नेम और आपको पूरा आईएफएससी अकाउंट नंबर भेज दिया है। इसको आपने साफ कागज के ऊपर नोट करना है, लिख लेना है, यानी कि उतार लेना है, ठीक है? लिख के इसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करके मुझे कॉल करना है, बाकी का समय लगाता हूँ मैं आपका। चलो ठीक है जी, ओके। अभी अकाउंट नंबर व्हाट्सएप के ऊपर मिला है आपको, चेक करिए, हाँ जी मैं देख लेना जी। इसको कागज के ऊपर उतार लेना है, लिख लेना है, यानी कि लिखने के बाद इसका कागज का फोटो खींच के व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करके मुझे कॉल करना है। ठीक है सर जी, कर देते हैं। हाँ, जल्द से जल्द करें, क्योंकि टाइम बहुत कम आता जा रहा है ऊपर से। ठीक है जी, ओके ओके। भैया। हेलो, सर जी मैं भेज देती है फोटो। जी, बिल्कुल राइट राइट बिल्कुल राइट लिखा है मेरे भैया। अभी आपको मैं समझा देता हूँ और बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके हाँ जी, हाँ जी भैया, आपने ये कागज उठाना है और पैसा कितना उठाना है? 12,000 ही। 12,000, और ये कागज के साथ 12,000 और ये कागज एक साथ कर लेंगे पॉकेट में। ओके, ठीक है जी। हाँ, शॉप पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, उनको जाके बोलेंगे ये कागज के ऊपर अकाउंट नंबर लिखा है, इसमें 12,000 डिपॉजिट करना है, जमा करना है। ओके, हाँ जी जमा करने के बाद आपको पैसा, जमा करने के बाद आपको क्या मिलेगा दुकान से, शॉप से? वो तो रसीद देते होंगे जी। रसीद मिलेगा, बिल्कुल राइट भाई, आप खुद समझदार है, आपको समझाना ही नहीं पड़ रहा है, हाँ जी क्योंकि बहुत अच्छे कस्टमर हैं आप। क्योंकि आपको जमा करने के बाद आपको रसीद मिलेगा, जो आपको स्क्रीन शॉट मिलेगा, वो लेना है, लेके दुकान शॉप से बाहर आ जाना है। बाहर आके मुझे कॉल करना है कि भैया मैंने पैसा जमा कर दिया है और मुझे रसीद मिला है। मैं आपको बोलूंगा भैया ओनली 5 मिनट वेट करो। कितना मिनट? 5 मिनट। ठीक है जी, 5 मिनट के बाद मैं आपको खुद कॉल करूंगा कि भैया आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हो चुका है और आपको मैंने रसीद, आपको स्क्रीन शॉट 25 लाख का व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया है। आप आसानी से बैंक में जाएं और पेमेंट चेक करें, चेक करके आप मुझे बधाई पेश करेंगे। ठीक। तो सर आप अपना नहीं आ जी 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 तुसी कहने ओ इदा ही फोन में जाके तोड़े ना गल ही करवा देना दुकान वाले दी। मैं आपको सुबह से अब तक यही समझाता आ रहा हूं कि सेफ्टी का मतलब क्या है। पढ़े लिखे नहीं है? सर मैं 5 पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं। पढ़े पढ़े लिखे एक भी पढ़े हैं, दो भी पढ़े हैं, 5 तक पढ़े हैं, सेफ्टी किसको बोला जाता है? सर इतना तो मालूम नहीं कि जी। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि लॉटरी के बारे में शोबाजी जानकारी नहीं करना है। आप बोल रहे हैं कि मैं दुकान वाले से जाके आपका बात करवा देता हूं। सर नहीं कराते सर। भैया, मैं आपको एक भैया के नाते पे समझा रहा हूं, आप कुछ और लफाजों में बात कर रहे हैं मेरे से। नहीं सर मैं तो क्या, मुझे इतना नहीं मालूम होगा तो आप उससे बात कर लेंगे ना। चलो तो हम नहीं भैया, बताते मैंने सर, क्यों बात करना है? सर नहीं नहीं, बता। भैया मुझे पहले ये बताओ, पहले पैसा जमा करते हो ना, हाँ जी हाँ जी तो ये भी पैसा उसी तरीके से जमा करना होता है? ना, तो रसीद ही तुहानू भेजनी है बस। जी, वो आप पैसा जमा करेंगे, जमा करने के बाद आप मुझे दुकान से बाहर आके कॉल ही करना है, और क्या करना है भैया आपने? और कुछ नहीं करना है भैया। ठीक है सर, एक और बात पूछनी थी। जी पूछिए मेरे भैया। वो पंजाबी च पूछदा तेनू, तो मैनू ये दस जी गरीबां दा जी तू पैसा लुट के की बनना चाहना, पतंदरों तू तो थोड़ी बहुती शर्म खाया करो। तेनू की लग्गिया मैं जी बेवकूफ जी बनी कैसे जाना भैया? वा? देखो, इसमें बेवकूफ नहीं वाला नहीं बात मेरी नहीं गल होता है। सुन, ओके, तू हजे तू ना जत्थों जड़े आ तू काम करदा ना, ये मैनू सब पता, बट तू मैनू एक गल दस यार,
तू किसी गरीब का जी जी पैसा, हम चल तू मेनू तो बेवकूफ बनाने की ट्राई कर ली आ, ठीक है, मैं तेनों शो भी किया भी मैं जी सर बेवकूफ बनी जाना, तो तू पैसा एक मिनट, अगले दे घर हो सकता दिहाड़ी करता होवे, घरे कोई पेशेंट बीमार हो दवाई लैन जाना हो, 100 मजबूरियां होंदियां, तुसीं उन्हां दा अकाउंट खाली कर दिंदे आ, तुहानूं थोड़ी बहुती शर्म नहीं आउंदी? मैं तेनूं कोई गालां नहीं कढ़दा, मेरी गल सुन, मैं तेनूं गालां कढ़ूंगा तूं फोन कट देना, मैं तेनूं इंसानियत दे नां ते पुछदा, तुहानूं थोड़ी बहुती शर्म आउंदी है जां नहीं आउंदी? पहलां मैनूं दस, जे तेनूं हिंदी 'च गल करनी आउंदी मैं हिंदी 'च तेनूं पुछ लैंदा। भैया देखो, इसमें कोई गलत वाला ये बात नहीं है जो आप गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं ओके गल तो यार मैं तेनूं दसी जाना, तेनू लगता भी तू मैनू ठीक है बेवकूफ बना लिया, मैनू पता तू की सोच रहा, तुसी जी जी क्या लोकां ने सोच रहे हैं? इन्ने ज़्यादा अकाउंट पंजाब चो खाली किते, कई तो सुसाइड करके जिहड़े गरीब सीगे लो लैवल दे बेचारे, तुसी थोड़ा बहुता सोचिया जी करो जी यार, ऐसा मत किया करो, हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे सामने, भैया तुम भी मैं हमारे क्या भाई बोल रहे हो, हैं, पर ऐसा मत करो यार, किसी ने खून पसीने से कमाई होती है कमाई, अब जी क्यों ऐसा करते हो, क्या मिलता है तुम्हें यार, काम किया करो, ऐसे ठगी फ्रॉड करके क्या कर लोगे तुम? अरे भैया इसमें ये कौन सा ठगी फ्रॉड है, मुझे थोड़ा ये बताइए। यार तुम मेरी गल सुन, मैं तेनू 12,000 सेंड कर देता, ठीक है, उसके बाद जी जी रसीद तो तुम 12,000 लेकर चले जाते, मुझे भी पता है बहुत हुआ है ऐसा, मैं ऐसा नहीं, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी बीटेक की हुई जी है, जी क्यों यार जी ऐसा जी करते हो, क्यों करते हो पहले ये बताओ, भैया इसमें क्यों गलत तो है, ठीक है करते हो फिर यार, क्यों फोन ही कट गया, चलो कोई नमस्कार, ना, बी मेरा नाम केयरफुली फौजी अख्तर यार। खान है, मैं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के मालिक अमिताभ बच्चन जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत ही गरीब और मैंने किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा किया है, 12,200 रुपये जमा कर दिए और मेरा खाते में 25 लाख रुपए आ गया है। इसके वजह से हमें कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था और इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आकाश वर्मा जी हमें ही बहुत सब कुछ ये किए, और इनके वजह से मैं सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरे खाते में 25 लाख रुपए आ गया है। इसके वजह से मैं आकाश वर्मा को और सबको नमस्कार। केबीसी की तरफ से एक शो किया जा रहा है और ये शो खास करके उन कस्टमर्स के लिए है जिनके नंबर्स पे 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की लॉटरी लगी है, बट उन्होंने इनकम टैक्स जमा ना करवाने की वजह से अपनी लॉटरीज को पेंडिंग करवा दिया है। मैं आने वाले कस्टमर्स को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपना इनकम टैक्स जमा करवाएं और अपनी लॉटरी को हासिल करें, अदरवाइज योर लॉटरी विल बी क्लोज, आपकी लॉटरी के पैसे भी पेंडिंग कर दिए जाएंगे। अपने सेंस इस्तेमाल कीजिए और पुराने कस्टमर्स की तरह से अपनी लॉटरी को जाया मत कीजिए। जी सर नमस्कार, आपका ये चेक पड़ा है और ये आपकी फाइलें हैं, ये देख लें आप। आपके मन में ये ना हो कि मेरा लॉटरी लगा हुआ है या नहीं, आप हमारी बात पर फॉलो करेंगे तो आपको लॉटरी लेने में ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लें सर, जब बैंक से पैसा निकाला जाता है चेक पर साइन करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है, कंपनी की ओर से आपका चेक क्लियर है, चेक साइन हो चुका है और बैंक की ओर से स्टैंप भी लग चुका है, इसे आपने अपने नाम पर करवाना है, ना ही तो इस पर नाम लिखा हुआ है और ना ही तो इस पर डेट डाला हुआ है, इसे आपने अपने नाम पर करवाना है, इस पर आपके नाम लिखा जाएगा और इस पर डेट डाला जाएगा। सर जैसा आपको कंपनी बोल रही है आप कंपनी की बात पर फॉलो करिए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हमारे कस्टमर हैं, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल बेचिंता हो जाएं। सर ये वीडियो बनाकर इसलिए भेज रहे हैं कि आपके दिल में ये ना हो कि मेरा फाइल और चेक आगे ऑफिस में पहुंचा भी है या नहीं, ये देख लें सर, आपका फाइल आपका चेक ऑफिस में पहुंच चुका है, उसका वीडियो बनाकर आपको सेंड कर रहे हैं कि आप उसे देख लें, उसे चेक कर लें सर, ना ही तो नाम लिखा हुआ है और ना ही तो अकाउंट नंबर है इसमें, इसे आपको अपने नाम पर करवाना है, इस पर आपका नाम होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा और डेट डाला जाएगा जिस डेट को ये क्लियर होगा, अभी आप इसे क्लियर करवाएं सर, अगर आप इसे क्लियर नहीं करवाएंगे तो ये कंपनी में वापस हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा सर, इसमें नुकसान आपको होगा हमें नहीं होगा, हम तो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप लेंगे तो तब भी हमें 1 महीने का सैलरी मिलेगा, आप नहीं लेंगे तो तब भी हमें 1 महीने का सैलरी मिलेगा सर, हम ये चाहते हैं कि जिसका भी प्राइस हो उसे मिल जाना चाहिए, उसका हक है, उसके परिवार वालों का हक है। ओके सर धन्यवाद। हाय फ्रेंड, मैं प्रीति,
बिहार से मधेपुरा जिला से हूँ। कल रात मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल आया था एबीसी की ओर से। मैं हैरान हो गई ये सुन के कि मेरे नंबर को चुना गया एंड मेरा नंबर लकी है। अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं विनर बनी हूँ। तो मुझे आकाश सर से बात कराई गई, उसने मुझे यकीन दिलाया मैं विनर बनी हूँ। थैंक यू सो मच आकाश सर एंड जितने भी है इसमें मेंबर सबको मेरी तरफ से थैंक्स। अमिताभ बच्चन को भी मेरी तरफ से थैंक्स। थैंक यू सो मच। सत श्रीकाल जी सारे, वेलकम टू माई चैनल फतेह सिंह। तुम देखिए किदा अजकल फ्रॉड चल रहा 25 लाख की लॉटरी का कह के गरीबों नाल जां किसी वर्ग नाल धक्का कर रहे हैं। ये बारे थोड़ा अवेयर होने की लोड़ है। तुहानू कदे भी कोई इदा की लॉटरी दे रिलेटड कॉल आवे उत्ते विश्वास ना करो। अपने परसनल डॉक्यूमेंट कोई सेंड करन दी लोड़ नहीं गी, ना ही अपना बायोडाटा देन दी लोड़ आवे किस बैंक च अकाउंट आ, ते अपना क्रैडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे डिटेल दसन दी कोई लोड़ नहीं गी। ते इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो ताकि इह सारे लोगों तक जानकारी पहुँच सके ते कोई भी परिवार इस ठगी का शिकार ना हो सके। ये जिहड़े लोग हुंदे ना इह इन्ना ज़्यादा मैंटली बंदे नूं टॉर्चर करदे आ कि उन्हां नूं इदां विश्वास हुंदा कि हाँ यार मैनूं तां सच्ची 25 लाख की लॉटरी निकल आई आ। तुसीं देखिआ होणा किदां कह रहे कि किसे नूं भी अपने लॉटरी बारे ना दसो, इदां कहिंदे आ। बट ये सारा ठगी आ, कुछ नहीं गा, कोई 25 लाख की लॉटरी नहीं निकलती। सिर्फ आपां नूं लालच दित्ता जांदा ते फिर ये कहिंदे आ तुसीं पैसे जमा करवाओ लॉटरी दे फीस आ कोई चार्जस इदा दे, अकाउंट नंबर भी सेंड कर दे अपना। बट इन्हां ते कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये गौरमेंट नूं चाहिदा वा थोड़ी जी कार्रवाई करनी। चलो ठीक है जी, ओके, थोड़ा जिहा अवेयर रहो। कोई लॉटरी नहीं, कंपनी इदा दा कोई भी प्लैन नहीं चलाउंदी जिहदे नाल आपां नूं 25 लाख मिले। चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।